और ये निर्णय तो हाईकमान लेगा, वक्त आने पे लेगा, अभी तो चुनाव का कोई आसपास नहीं है। तो हम लोगों को अभी तो पार्टी संगठन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पार्टी का हमारा संगठनात्मक चुनाव चल रहा है जो नवंबर तक समाप्त होगा, सितंबर अक्टूबर तक, तो अभी तो हम उसी में व्यस्त हैं। अपनी पार्टी को पहले मजबूत करेंगे, अपने आप को खड़ा करेंगे, फिर परिस्थितियां देखेंगे, तब तय करेंगे। अलग हम लोग काफी बार लड़ चुके हैं, फिर सोचेंगे। सरिता जी का साफ कहना है कि जनता परिवार के एकजुट होने से बीजेपी को निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अभी संगठनात्मक रूप से एक हो रही है और उसके बाद ही वो फैसला करेगी कि उनको किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, साधना न्यूज, दिल्ली। सुना आपने क्या कुछ कहना था रीता बहुगुणा जोशी का, तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसएन सचान जी। एसएन सचान जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम में। धन्यवाद, धन्यवाद। सचान साहब, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से महाविलय हुआ है, छह दल बड़े बड़े साथ में आए हैं और मिलकर मोदी लहर को रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ करते नजर आएंगे आने वाले समय में, इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ये महाविलय दूर तक जाएगा या फिर बीच में ही टूट जाएगा? देखिए, इस समय देश की जो राजनीतिक हालात हैं वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पहली बार आजादी के बाद जो हमारा प्रधानमंत्री है उनको लोकसभा की प्रोसीडिंग और लोकसभा जो हमारी आंतरिक उसका ज्ञान न होने की वजह से विदेश में जाकर के वो आंतरिक लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज कश्मीर के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहरा। सचान साहब, अभी हम बात कर रहे हैं आपके जनता परिवार की जो अभी अभी आप लोगों ने मिलके बनाया है और आपके नेता उसको लीड कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि ये जो आपका गठबंधन हुआ है फिर से नए छह दलों का, कितना स्थायी रहेगा? हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों स्थायी रहेगा? देश में जिस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां हो गई हैं, ये वेटरन लीडर एक साथ आए हैं और ये जो वेटरन लीडर हैं ये केवल मोदी को ही नहीं रोकेंगे। ये सचान साहब वेटरन लीडर है ये मानते हैं, लेकिन नेता आज वही होता है जिसे जनता सपोर्ट करती है और पिछले लोकसभा के परिणाम अगर आप देखें तो जनता आपको नकार चुकी है। ऐसे में सारे फूके हुए कारतूस या यूं कहें जो बिल्कुल लोकसभा चुनाव में बिल्कुल हाशिए पे चली गई जो पार्टी है वो आप किस तरीके से देश की बड़ी पार्टी को आप चैलेंज कर पाएंगे? यही तो यहां चर्चा का विषय है कि जिस तरीके से आप सभी पार्टियों के साथ मिले हैं, 217 एक तरफ है और आप हैं केवल 15, तो किस तरीके से आप ये करेंगे, मुकाबला कैसे करेंगे, कहां से शक्ति लाएंगे? जनता जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं देगी तो कैसे आप मुकाबला करेंगे और ये ऑक्सीजन कहां से लाएंगे, इसका कोई फार्मूला है आपके पास? मेरी बात तो आप सुने, जिनको आप थुके हुए कारतूस कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं जीत पाई, बिहार में एक भी नहीं जीत पाई, उत्तराखंड में एक भी नहीं जीत पाई। ये जो जिनको आप थुके हुए कारतूस कह रहे हैं, पहले तो इन शब्दों का, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस वजह से नहीं करना चाहिए। जो जिस तरीके से ये हमारा परमानेंट और एक देश की नई दिशा राजनीति की तय करेगा, आज कश्मीर की हालत, आज यहाँ देश का किसान मर रहा है, भू अध्यादेश के नाम पर किसानों को बेघर किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के जब एकता बनी है यहाँ पर, आप 65% के जो हमारे खेत और खलिहान की सत्ता के लोग हैं, ये मोदी सरकार उनके खिलाफ हमारा मोर्चा बनाया, उनके जनता परिवार इकट्ठा हुआ है। मतलब ये जनता ये मान के चले जो मोदी सरकार के खिलाफ आपने गठबंधन किया है और आने वाले दिनों में आप कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं या हाथ मिला सकते हैं? देखिए, कांग्रेस तो इस वजह से वो अपने अंदरूनी, वो तो मां बेटे के अपने ही उसमें नेतृत्व की लड़ाई उनके घर में हो रही है। पूरी तरीके से जो अब आगे की राजनीति जनता परिवार और बीजेपी के बीच की होगी, डायरेक्ट हम विकल्प हैं भारतीय जनता पार्टी का और देश को हमें बताना चाहते हैं कि अब
विकल्प जनता परिवार। प्रशांत साहब, जो जिस तरीके से आप विकल्प अपने आप को बता रहे हैं, चार स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर के आप एक विकल्प बना रहे हैं, 28 राज्य हैं इस देश में, बाकी जगह आपकी उपस्थिति भी नहीं है, आपका संगठन भी नहीं है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? केवल बात करने के लिए बात नहीं होती। वही मैं बता रहा हूँ, पूरी तरीके से जो एक बहुत बड़ा विकल्प जब बनेगा तो हर स्टेट में एक ऐसा एक जुनून आएगा। किसानों को अगर बचाना है, देश को अगर बचाना है, तो लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, केवल ये जनता परिवार ही विकल्प रहेगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम उससे सहमत तो हम नहीं है, लेकिन आपकी बात है, हम इस बात को भी जनता के सामने, जनता भी सुन रही है, फैसला वही करेगी। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने गठबंधन किया है, गठबंधन तो ठीक है, जनता फैसला करेगी आपका गठबंधन कितना सही है। और जनता यदि पसंद नहीं करती है तो मुझे इस बात का जो एक्सपीरियंस है या जो इतिहास रहा है आपका, आपके गठबंधन का, कि पहले भी बिखरते और टूटते रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो है ये गठबंधन जारी रहेगा। यदि गठबंधन रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आए, उसके बाद यदि आपका परिवार, आपके परिवार की यूनिटी कायम रहती है, तभी हम मानेंगे कि आप लोग सही में जनता के हित के कारण एक हुए थे। फिलहाल इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सुना आपने एसएन सचान ने क्या कुछ कहा अभी बातचीत के दौरान, और आपको बता दें कि अब सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता यशवंत सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चर्चा के लिए। यशवंत सिंह जी, आप लगातार जिस तरीके से ये गठबंधन किया गया है, ये भी कहना गलत नहीं होगा जिस तरीके से खबरें आई कि इस गठबंधन में हर एक जो मुखिया है वो ये चाहता है कि वो देश में आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे में क्या लगता है कि अपनी अपनी तरफ जब खींचतान मचेगी तो क्या ये गठबंधन टिक पाएगा? देखिए, ये गठबंधन बहुत मजबूती से चलेगा, इस गठबंधन में पूरी ताकत आएगी, और हम आपको बता दें कि यह गठबंधन जनता के दबाव में हो रहा है, जनता कह रही है कि सब लोग इकट्ठे हो। और कौन सा सर्वे कराया है यशवंत जी आपने? कहा जनता कहाँ से कह दिया आपको? कोई सर्वे कराया है आपने? ना कोई इलेक्शन हुआ, ना कोई सर्वे हुआ, जनता कह रही है, कौन सी जनता कह रही है? इस देश की जनता कह रही है। देश की जनता तो कहेगी चुनाव के बाद ना, नतीजे के बाद सामने आएंगे, नतीजे के बाद आप कह सकते हैं जनता ये कह रही है। आप ऐसे कैसे जनता के दबाव में कर रहे हैं? ये तो आपका अपना फैसला है जो आपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर लिया है। इवन जमीन पे आपके कार्यकर्ता भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं। आप चाहे जब बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, परिणाम आप बताएंगे तो कैसे चलेगा जी? राजनीतिक दल के एक एक कार्यकर्ता का दबाव है कि सब लोग मिल करके। यशवंत सिंह जी एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, वही लालू प्रसाद यादव है जो पानी पी पी कर कोसते थे नीतीश कुमार को, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी, जब अवसर नजर आया, तो कहीं ना कहीं गलबैया करते नजर आए। इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन एक ऐसा समय आया जब सब लोग इकट्ठा होकर के कांग्रेस जैसी सशक्त पार्टी का सफाया कर दिए। देश की डिमांड होती है, जनता का दबाव है कि जब पहली बार आप 1977 में जब पहली बार आपने परिवार बनाया था तो बीजेपी भी आपके साथ थी, और आज बीजेपी के खिलाफ ही आप गठबंधन बना रहे हैं, ये भी तो सच है। देखिए, ये भी सही है, जब जिससे खतरा पैदा होगा और जब जिसे ये लगेगा कि इसके साथ की जरूरत है देश को बचाने में, तो उसको साथ लिया जाएगा, और जिससे खतरा लगेगा उसको रोका जाएगा। बिल्कुल, ये था और ये खतरा है या खतरा नहीं है, ये तय नेता बैठ के करेंगे, जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम आगे बढ़ाते हैं, आप जसवंत जी बने रहिए हमारे साथ। एक टिकटक हमारे साथ पास है, केसी त्यागी से बात की है हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने, बात एक बार देख लेते हैं उसे भी। जनता परिवार के एकजुट होने की औपचारिक घोषणा हो चुकी है, हमारे साथ जदयू के सांसद केसी त्यागी हैं। केसी त्यागी जी, जिस तरह से आप लोग एकजुट हुए हैं, लेकिन अब तक सभी बातों पर सहमति नहीं बन पाई है, खासकर बिहार को लेकर लोगों के मन में काफी संशय है। ना एकता को लेकर के कोई मतभेद है, ना बिहार को लेकर के कोई मतभेद है। सभी पार्टियों ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि वे अपने अस्तित्व को मिटा करके
एक नए दल का निर्माण करेंगे जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी होंगे। झंडा डंडा चुनाव चिन्ह नीति वक्तव्य संगठनात्मक मामलों को लेकर के सभी पार्टियों के अध्यक्षों की कमेटी बनी है जो बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद सब चीजें दुरुस्त की जाएंगी। जहां तक बिहार की बात है, एक झंडे के नीचे एक चुनाव चिन्ह के नीचे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दूसरे नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, दोनों तालमेल करके टिकटों का बंटवारा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को वहां पराजित करने में मदद करें। जरूरत क्या पड़ गई जनता परिवार की, क्या ये भाजपा के प्रति आप लोग का डर है जो आप लोग एकजुट हो गए? भाजपा जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में लगी है, अब जम्मू कश्मीर का मामला लीजिए, शांत पड़ा हुआ जम्मू कश्मीर जो है सुलग रहा है, सीमा पार से आतंकी घटनाएं रोज हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन रोज हो रहा है, किसानों की 1,00,000 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है, 15-15 लाख हर एक किसान की जेब में आएंगे, काला धन वापिस आएगा, तो मतदाताओं को ठग करके जीता हुआ चुनाव है। लिहाजा ये सरकार कभी घर वापसी के नाम पर, कभी चर्च के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गुरुद्वारे के नाम पर, कभी गाली गलौज के नाम पर समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रही है। इस सरकार का जाना जरूरी है, इसीलिए सरकार को हटाने के लिए और एक अच्छा विकल्प देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। क्या दूसरी पार्टियां भी अगर आपके साथ आना चाहेंगी तो आप लोग शामिल करेंगे अब अपने परिवार में उनको? देखिए, परिवार में अगर कोई दूसरे दल का प्रवेश होता है उसका भी स्वागत है और अगर गठबंधन बनता है तो उसका भी स्वागत है। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प बनाने का है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल हैं वो एकजुट हुए हैं और एक सशक्त विकल्प बनाने की बात हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो विकल्प है ये कामयाब हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ नीलम शुक्ला देवांगन, साधना न्यूज, दिल्ली। तो ये थे केसी त्यागी जी और अब हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी। श्याम जाजू जी, स्वागत है आपका वंदे मातरम में। श्याम जाजू जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? श्याम जाजू जी, बताएं जिस तरीके से जनता परिवार का फिर से मिलन हो रहा है, फिर से बिखरे बिछड़े हुए साथी जो हैं एक हो रहे हैं, कितना मानते हैं बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन तैयार किया जा रहा है, कितना कारगर, कितना मजबूत मानते हैं आप इसे? एक बात सही है, इस देश में कभी रिएक्शनरी ताकतें जब खड़ी होती है तो वो उस पर निगेटिविज्म के आधार पर कोई उसका समर्थन नहीं करता। अभी जो 6 पार्टियां जनता दल के टुकड़े एकत्रित हुए हैं, इसमें चारों का तो बिहार में कुछ आता पता नहीं है। आरजेडी, लालू जी और नीतीश जी, ये 2 पार्टी छोड़कर वो चारों का वहां नहीं है। देवेगौड़ा का कुछ है नहीं, चौटाला का है नहीं, लालू जी मुलायम जी का कुछ नहीं है। तो आज आके जिस प्रकार की भूमिका बन रही है, तो कई जिसमें सिद्धांतों में एक वाक्यता नहीं है, जिसमें नेता के बारे में तय करने के लिए 6 महीने लगे, अभी तक निशान फिक्स नहीं है, अभी तक चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल लूटे पीटे लोग जिनकी अपने राज्यों में क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, इस प्रकार के लोग यहां एकत्रित हुए हैं। वो ग्रेविटी ऑफ सेंटर, हर पार्टी का कोई ना कोई केंद्र बिंदु होता है, तो इस गठबंधन का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना और नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध को रोकने के लिए इस प्रकार की रिएक्शनरी ताकतें जब एकत्रित आती है तो बिहार की जनता को ये गुमराह नहीं कर सकती। एक मैन में 6-6 तलवारें नहीं रह सकती, एक मैन में 1 तलवार होती है। तो ये केवल महाविलय नहीं है, ये महाप्रलय है। बिहार में केवल इनके दोनों के मिलकर 6 सांसद है और ऐसी पार्टी बिहार में राज शकट अपने हाथ में लेने के लिए एकत्रित आए हैं। जिस लालू जी के राज को जंगल राज की उपमा दी गई थी, नीतीश जी ने कहा था कि ये जंगल राज है, अब ये क्या कर रहे हैं, वापस सेकंड जंगल राज लाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं होगा। वहां के दलित मुख्यमंत्री को उन्होंने हटाया है और उसका भी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। श्याम जाजू जी, एक चीज आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ ये भी आ रही है कि जो
इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन है, बिहार और यूपी की राजनीति कास्ट के इक्वेशन पे चलती है, और जो इक्वेशन इस गठबंधन के बाद कास्ट का बना है वो इक्वेशन बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। जो ओबीसी के वोट हैं, जो मुसलमान के वोट हैं, जो महादलित के वोट हैं, वो एक तरफ पोलराइज होने की करने की कोशिश की जा रही है। और ये इस गठबंधन का जो निर्माण अभी हुआ है खासतौर पर लग रहा है कि जो बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए ही किया गया है। क्या बीजेपी कोई इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना रही है कि इस गठबंधन के बाद जो कास्ट इक्वेशन तैयार हुआ है उसको तोड़ा जा सके? ये सही है कि बिहार और यूपी में कई पैमाने तक कास्ट इक्वेशन सक्सेस रहे हैं आज तक, पर इस बार के लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जनता केवल वहां तक सीमित नहीं रहती है, जनता विकास चाहती है और विकास के विषय में जनता वोट भी कर सकती है। वो अपनी जात पात के ऊपर उठकर, प्रदेशवाद के ऊपर उठकर इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। और अब तो मोदी जी को केंद्र में आके 10 महीने हो गए, 10 महीने में लोगों ने उनका काम देखा है, उनकी कार्यशैली देखी है, और केवल हिंदुस्तान नहीं तो पूरे वर्ल्ड में उनका नेतृत्व छाया हुआ है। एक करिश्मेटिक लीडर के रूप में उनको सैंक्शन मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज तक माइनॉरिटी और दलितों के नाम से पार्टी के नाम से डराया जाता रहा है, पर अब इस देश के माइनॉरिटी के मुस्लिम बंधु भी सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं। बिल्कुल श्याम दादू जी, क्या आपको लगता है अगर चुनाव के बाद जो परिणाम है वो इस गठबंधन के हिसाब से नहीं आते हैं तो क्या यह गठबंधन फिर से अलग टूट सकता है, फिर से लालू और नीतीश अलग अलग पार्टी अपनी बना सकते हैं? आज तक ये जनता पार्टी का तो ऐसे ही इतिहास रहा है ना कि जब जब ये इकट्ठा आए टेम्पररी फेज इनका कुछ रहा, कई बार सत्ता में आने में सक्सेस भी रहे और तुरंत ये बिखर गए। तो इस प्रकार के लोग अपनी कौन सी क्रेडिबिलिटी लाएंगे? जो लूटे पीटे लोग हैं, जिनका अपना अपने अपने राज्यों में अपना समर्थन सब खत्म हो गया है, ऐसे लोग केवल अपॉर्चुनिटी अलायंस लेकर इस देश के जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंबा जोड़ा, इस प्रकार की इनकी स्थिति है। इसलिए जुम्मे जुम्मे 4 दिन ये चलेंगे, मीडिया के माध्यम से इनकी न्यूज चल रही है, बाकी जनता में इस प्रकार के टेम्पररी। श्याम बाबू जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता यशवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। यशवंत जी, क्या जिस तरीके से श्याम जाजू आपके इस गठबंधन के बारे में कह रहे हैं, आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे? देखिए श्याम यादव जी जो बोल रहे हो उनकी बातों का कोई आधार नहीं है। इस देश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार थी और जनता पार्टी आई, बाद में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बड़ा प्रचंड बहुमत मिला था राजीव गांधी को, जनता दल की सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी के नारे और वादों पर विश्वास करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों से आज देश की जनता ठगी महसूस कर रही है और उसके अंदर निराशा पैदा हो रही है। तो हम राजनीतिक दलों के लोगों का दायित्व बनता है कि इकट्ठा होकर के जनता को निराशा से उबारें और उन्हें इसका प्रतिकार करने के लिए संगठित करें। एक व्यक्ति इस देश में गांधी आए और गांधी ने अंग्रेजों को हटा दिया, जयप्रकाश आए और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टी को खत्म कर दिया। यह तो ऐसी हालत में रही भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 2 सांसद थे, आज वह सरकार बना करके भूल गई अपना दिन और ऐसे बोल रही है जैसे लग रहा है कि ये सारे राजनीतिक दल के लोग उनके सामने कुछ क्या कहेंगे। श्याम दादू जी, सारी शक्तियां इकट्ठा हो, ये बात सही है कि 84 में हम 2 तक सीमित थे, पर इसी देश की जनता ने हमें मेजोरिटी में लाया है। आज 14 राज्यों में हमारी सरकार है और कश्मीर जैसे स्टेट में भी 25 सीटें लेकर हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। गए 10 महीनों में जिस प्रकार का कार्य काम हो रहा है, इससे सामान्य आदमी बड़ी राहत महसूस कर रहा है। महंगाई पे कंट्रोल हुआ है, स्वच्छता अभियान जैसे गरीब आदमी के लिए आवश्यक योजनाएं आ रही है, शौचालय की योजना है, जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के खाते खुलवाए हैं जिनको आज तक बैंक की सीढ़ी चढ़ने की अनुमति नहीं थी। प्रोविडेंट फंड में 27,000 करोड़ रुपया जो आम आदमी का पड़ा था सरकार के पास, वो सब खुला करके जिस किसको देने की व्यवस्था हो रही है। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश में रोजगार खड़ा हो रहा है, नए नए
का माहौल है। आने वाले इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ये इस देश में हम हमारी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है और सुनिश्चित हमारा भविष्य भी सुनिश्चित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के विकास की रफ्तार आगे ले जाने के लिए जो कांग्रेस के यूपीए सरकार के दौरान 4.4 पर हमारा ग्रोथ रेट आया था वो अभी 7.5 पर आ गया है। तो इस देश के सभी तबकों के लोग, सभी वर्गों के लोग और सभी प्रदेशों के लोग हमारे कार्यकाल पे खुश है और आने वाले दिनों में और भी हम ये करके बताएंगे। हमारी विदेश नीति ने तो हमारे पास समय की कमी है, हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे और हमसे जुड़ने के लिए हमारे वंदे मातरम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और गेस्ट जो है वो बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें और अपने पीसीआर को भी हम कहेंगे कि जनता के जो फोन आ रहे हैं वो फोन भी हम दर्शकों को सीधे बताएं तो जनता को आसानी होगी। लगातार हमारे पास फोन लाइन्स भी आ रहे हैं, फोन से जनता अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और हमारे पास व्हाट्सएप्स भी आ रहे हैं। रचना आपको बताएगी कि क्या व्हाट्सएप के मैसेजेज हैं, वो रचना आप बताएं जरा क्या जी। और आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे पास पहला मैसेज जो आया है वो मुरादाबाद से रमेश ने मैसेज भेजा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता परिवार, ये जनता परिवार का विलय नहीं है बल्कि घोटालों का परिवार है। तो आपको बता दें कि हमारे पास व्हाट्सएप आया है, ये रमेश मुरादाबाद से जिन्होंने भेजा है, उनका कहना है कि ये जनता परिवार नहीं बल्कि घोटाले का परिवार है। और आपको बता दें कि हमारा अगला व्हाट्सएप जो आया है वो जम्मू कश्मीर से अखिलेश ने भेजा है और उनका कहना है कि इन लोगों ने मजबूरी में गठबंधन किया है। और आप एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, शंकर बिहार पूर्णिया से हैं। शंकर जी, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, हाँ शंकर जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप इस गठबंधन पे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन लोग सवाल कर रहे हैं, हेलो, हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ, इन लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के बारे में, मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि जो नीतीश कुमार आज कह रहा था कि जंगल राज हो गया है और वो हाथ मिला लिया लालू से, तो और किसानों की बात कर रहे हैं, हम एक किसान है, किसानों के लिए क्या सोचा जी? वाकई आपका ये सवाल का जवाब जरूर आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में सवाल उमड़ रहे हैं कि वो पूछे कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों किया गया है, क्या अवसर देखते हुए गठबंधन किया गया? जाहिर सी बात है मजबूरी में गठबंधन किया गया है। आपको बता दें कि हमारे साथ यशवंत सिंह जुड़े हुए थे लखनऊ से। यशवंत सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अच्छा। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे टेलीफोन लाइंस खुले हुए हैं और हमारे स्क्रीन पे नंबर भी दिए जा रहे हैं, लगातार सीधे आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं जो कि टेलीविजन स्क्रीन पे आप सीधे तौर पे देख रहे हैं। आप कोई भी बात इस गठबंधन से जुड़े, अगर इस आज के इस प्रोग्राम से जुड़ी कोई भी बात आप हमसे करना चाहते हैं तो सीधे तौर पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे फोन लाइंस खुले हैं लगातार। बिल्कुल लग रहा है पीसीआर से हम कहेंगे अगर कोई फोन लाइन है तो लगातार उस उन्हें दें और फोन लाइन को लगातार जोड़ें हमसे ताकि दर्शकों तक सीधे हम पहुंच सकें। हमारे साथ दूसरे एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश यादव बिहार से ही हैं। दिनेश जी, की आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी सर। हाँ दिनेश जी बताएं क्या क्या कहना चाहते हैं आप इस पर गठबंधन के बारे में? गठबंधन के बारे में जो बोल रहे हैं सर, हाँ बताइए। तो ये बोल रहे हैं सर कि जो ये नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड में एक तो बड़ी पार्टी उभर कर आई है। बिल्कुल। तो ये बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल बताइए बताइए, आपने टेलीविजन पे आवाज कम कर लीजिए। सरकार थी उस समय जो उस पार से सीमा पार से जो हमारे देश के जवानों का जो मार्गदर्शन था, उस समय बोलते कि सरकार अपना समर्थन वापस ले, इस्तीफा दे दे। आप ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार है ये बोलते हैं कि इसमें सीमा पार से हर हमारे देश के जवान पे 8-8 दिन पर 5-5 दिन पर जो मर रहा है उसके लिए नरेंद्र मोदी कहे नहीं जवाब देते हैं। इस्तीफा तो इसको देना चाहिए, शर्म आने चाहिए। उस समय हम कांग्रेस को बोल रहे थे वो आपने हमारे घर में खुद आगे पड़ गया है, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी आवाज
बिल्कुल हम आपकी बात पहुंचाएंगे, जाओ जो आप बोल रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, बाकी लोग भी देख रहे हैं, जहां तक आप बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात ही वहां तक पहुंचेगी। फिलहाल हमारे साथ जी आपको बता दें कि लगातार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए जो है आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर्स जो दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं इस जनता परिवार के विलय को लेकर। जी हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि मजबूरी का नाम है ये जनता परिवार। आखिरकार आपको बता दें कि जब जनता परिवार के विलय की बात सामने आई, जब इसका ऐलान कर दिया गया, तो बहुत से लोग जो ऐसे थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये नई पार्टी का गठन नहीं हुआ है बल्कि वृद्धा आश्रम खुला है। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें भी कही हैं। और अगर बात करें तो लोगों का ये भी कहना था कि इस पार्टी का नाम समाजवादी वृद्ध पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें सभी जो वरिष्ठ नेता जुड़े हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है वो हम आपको बता रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि कई राजनीतिक नेताओं ने भी चुटकी ली है। बिल्कुल, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से जो है लगातार जो चुटकियां ली जा रही है, और जो पासवान ने जो चुटकी ली है कि जनता परिवार का गठबंधन नहीं बल्कि ये लठबंधन है। जिस तरीके से बिहार यूपी में लठ रैली चलती है और लठम पिलाई चलती है, उसी तरीके से उन्होंने गठबंधन में इस तरीके का उन्होंने चुटकी ली। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह जी, उनसे भी हम बात करते हैं। ज्योति जी बताइए, काफी देर से जुड़े हैं आप तकनीकी खराबी के कारण, सबसे पहले माफी मांगना चाहते हैं आपसे। आप बताएं, जो ये गठबंधन बना है नया जनता परिवार का, इस गठबंधन को कांग्रेस से कोई लेने देना है या कांग्रेस ये सोच रही है कि ये गठबंधन जब चुनाव में उतरेगी तो शायद उनका भी हाथ थाम लेगी, उनका भी कुछ भला कर देगी? कांग्रेस की सोच बहुत साफ है। कांग्रेस ये गठबंधन ठीक है वो उनका अपना एक समाजवादी एक विचारधारा के लोग, जनता परिवार वो आप मिले वो उनका मामला है। बट कांग्रेस का सोचना बहुत साफ है कि इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी राजनीति जिस तरह से इस देश में अपने शासन काल में शासन करने का प्रयास किया है और जिन बातों को कहकर इस देश में आए हैं, और जो सेपरेट अभी जो जम्मू में आपने जो माहौल देखा, जो एक सेपरेटिस्ट के साथ एक अलगाववादी के साथ सरकार मिलकर बनाए हैं, और जिस तरह के वो अलगाववादी इस देश में जो एक जहर घोलने का काम कर रहा है। ज्योति जी, हमारा कल का मुद्दा था, ये कल का मुद्दा था, कल आप जुड़ते तो हम इस पे बात आपसे आगे भी करते, लेकिन अभी फिलहाल ये मुद्दा है कि जनता परिवार का जो एक बार फिर से विलय हुआ है, छह दलों को मिलाकर के जो ये महागठबंधन बनाया गया है, समाजवादी जनता पार्टी बनाई गई है, मुलायम सिंह उसके मुखिया है, कांग्रेस का इससे क्या लेना है? क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस इनके साथ हाथ मिलाने की सोच रही है? क्या इसका जवाब दीजिए सीधा आप। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा बिल्कुल सही, बहुत सही और बहुत फिक्स है, आज से नहीं 60 सालों से और बहुत पहले से ही। ये धर्मनिरपेक्ष एक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कभी भी कम्युनलिज्म के अगेंस्ट, हमेशा कम्युनलिज्म के अगेंस्ट लड़ती रही है। तो ऐसे कोई भी धारा जो ये दंगाइयों के जो कम्युनल फोर्सेस को रोकने में कामयाब आगे बढ़ेगी उसके साथ, ये तो हाई कमान आला कमान का ये निर्णय होगा कि कांग्रेस पार्टी आगे के आने वाले इलेक्शन में क्या करेगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में जिस तरह का मुहिम चल रहा है, इस देश में जिस तरह का कम्युनल फोर्सेस आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अगर उस फोर्सेस को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम उन सारे लोगों के साथ मिलकर इन ताकत को रोकने का प्रयास करेंगे। तो और खासकर बिहार के चुनाव में गलत नहीं होगा कि अगर कांग्रेस को मौका मिला मोदी लहर को रोकने के लिए तो कहीं ना कहीं एकजुट होती नजर आएगी। जी जी, दिल्ली के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के मंसूबे को पानी फेर दिया। बिल्कुल ज्योति जी, केवल बीजेपी नहीं, आप अपने बारे में बात कीजिए, आप बिल्कुल साफ हो गए, जीरो पे आप हैं वहाँ पे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास समय की कमी है और हम माफी मांगना चाहेंगे आपसे आगे। बिल्कुल हमारे पास जो है समय की कमी है और समय की कमी के कारण हम ज्योति जी से बातचीत जारी नहीं रख पा रहे हैं।
फिलहाल इस प्रोग्राम वंदे मातरम में जुड़ने के लिए हमारे सभी गेस्टों का हम एक बार तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं, और एक बार अपने दर्शकों को फिर से कहना चाहते हैं कि आप अपने हमारे फोन लाइंस जब खुले रहो तो उनपे फोन लाइंस से डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी जो है vmsadhana@gmail.com, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ऑफलाइन भी दे सकते हैं। जब भी जो भी बात इस प्रोग्राम के संबंध में, इस चैनल के संबंध में जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उस प्रतिक्रिया का हमें आपके प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फिलहाल वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को खत्म करने का, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।